आश्रमों में जाकर धमकी देकर एक भी राम भक्त को न ठहरने की धमकियां दी है। हमारे पास अयोध्या में खाना नहीं है। मेरे हजारों राम भक्त यहाँ आए, खाना बनाने का सामान लेकर आए, यह राम भक्तों की सरकार ने हमें खाना नहीं दिया। न मेरे लिए खाना है, न मेरे साथियों के लिए खाना है, न रहने की हमारे लिए जगह है। सभी आश्रम धमकी देकर बंद करवा दिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं महंत जी की समाधि के सामने यहीं पर ही बैठूंगा। मेरे जिस साथियों को रहने की जगह नहीं मिलती है, यहाँ मेरे साथ बैठकर रात गुजारेंगे। हमने तो राम भक्तों की सरकार बनाई थी, वह राम भक्तों को खाना न मिले, रहना न मिले, इतना अत्याचार तो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था या फिर से हुआ है, किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ, मुझे पता नहीं। परंतु मैं भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर यहाँ आया। हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये महिलाएं कहाँ रुकेगी, कहाँ जाएगी? हमारी सभी गाड़ियाँ उन्होंने अयोध्या के बाहर रखवाई है। मैं अभी से यहीं पर रात्रि निवास करूंगा और जब तक मेरे हिंदू साथियों को खाना नहीं मिलेगा, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, सिर्फ पानी पीकर यहाँ बैठूंगा। हमने न प्रधानमंत्री की कुर्सी मांगी थी, न मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगी थी, हमने तो रामलला का घर मांगा था और यह घर देने का वादा किया था। ये वादा करने के बाद घर नहीं मांगा और रामलला का घर मांगने वाले राम भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार, अक्षम्य अपराध है। मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मुझे दुख है कि